सलामुअलैकुम, मेरा नाम राशिद है और जैसा कि आपको पता है कि हम पहले से ही गूगल ड्राइव पे काम कर रहे थे, गूगल ड्राइव पे बात कर रहे थे। तो पहले ट्यूटोरियल में हमने बेसिक उसका इंट्रोडक्शन और देखा था कि किस तरह से हम उसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम जो है वो एक जीमेल आईडी के ज़रिए अब स्टार्टिंग लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने उस पर बात की थी, आज हम मज़ीद उससे आगे बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के हवाले को लेके और बाकी कि हम किस तरह से फोल्डर्स बना सकते हैं और किस तरह से फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फोल्डर डिलीट करना बताऊँगा, ठीक है, फाइल को डिलीट करना बताऊंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से फोल्डर बनाने और किस तरह से आपने अपनी फाइल्स को सेव करना है। तो अगर आप अपनी किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल आपने राइट क्लिक करनी है उस पर, ठीक है, ऑप्शन वाली, और उसको मैं उसको आपने रिमूव कर देना है। तो ये आपकी फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ फोल्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोसेस है दोनों के लिए, ठीक है, और इनको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, फाइल भी रिमूव कर दी और फोल्डर भी रिमूव कर दिए, तो हम इसमें फोल्डर्स बना सकते हैं। कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक किया फोल्डर पे, ये मेरा फोल्डर आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैंने इसको कह दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स, कि जो वी आई पी फाइल्स होंगी, ठीक है, वो फाइल्स मैं अपने इस फोल्डर में रखूँगा, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। और एक दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कि जो भी मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स होंगी, ठीक है, पावर पॉइंट की जो भी स्लाइड्स होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, ठीक है, उनको मैं जो है वो इस फोल्डर में रखूँगा। तो अब दो तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, फाइल को अपलोड करूँ, कोई भी फाइल को मैं क्लिक करूँ या यहाँ से डबल क्लिक या सिलेक्शन करके यहाँ से ओके कर दूँगा तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि मैं जैसे कि मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इसमें आ जाता हूँ, ठीक है, पावर पॉइंट वाले में, और मैं कहता हूँ कि मैं इसमें जो भी मेरी फाइल है, ठीक है, उसको मैं इस तरह से ड्रैग करके, ठीक है, यहाँ पर थ्रो करूँगा तो ये फाइल को यहाँ पर वो सेव करवा देगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पर घूम रहा है तो ये जैसे ही यहाँ से इसकी कंप्लीशन होती है, ठीक है, तो ये फाइल हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। चलो हो जाओ पूरा, ठीक है, ये फाइल अब यहाँ पे शो हो गई है। तो आज मैंने आपको यही बताना था कि किस तरह से आप इसमें बना सकते हैं फोल्डर्स, ठीक है, और किस तरह से आप फाइल को जो है वो सेव करवा सकते हैं, कैसे उसको डिलीट करेंगे, कैसे फोल्डर बनाएंगे और उनकी किस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक बात हमने आज की है, ठीक है, नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।